ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। इंसोमिनिया अनिद्रा, कुछ तुला वालों को, कुछ मेष वालों को, कुछ मकर कुंभ और मीन वालों को, कर्क और वृश्चिक वालों, संभवत नॉट ऑल, किसका कुछ परसेंटेज। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज संभवतः इस समय तुला राशि, पनौती प्लस महादशा चल रहा हो तो ऐसे ही है। मकर कुंभ मीन 7.5 में महादशा शनि का चल रहा तो, कर्क वृश्चिक ढैया के समय शनि का महादशा चल रहा हो तो, और कुंडली में अगर शनि किसी प्रकार के कंडीशन, मतलब बड़ा वनरेबल बैठा हो तो, क्योंकि कुंडली में हम लोग जब देखते हैं ना, हर एक कुंडली में बृहस्पति का अलग रूप दिखाई देता है, हर एक कुंडली में हर ग्रह का रूप अलग दिखाई देता है, उसका हाउस के अनुसार। ये सारा बड़ा अनुभव होने से पता चलता है। तो ऐसे वनरेबल कंडीशन पे अनिद्रा, इंसोमिनिया, और ये रोग सभी रोग का कारण है। और हमेशा याद रखना, नींद पेट के साथ संपर्क करता है, खाना ठीक, नींद अच्छा, नींद संपर्क करता है, व्यायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग। एक आदमी मॉर्निंग में, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठे, 5 से 10 किलोमीटर चलने लगे, अनिद्रा रहेगा तो क्या, सूंघते ही नींद होगा। चलिए, अनिद्रा रोग का इलाज मैं आगे से भी 2-3 वीडियो में दिया हूं। शुद्ध देसी गाय का घी दोनों नाक बूंदा में, नाक में लगाइए, डालिए और नाभि में डालिए, 100% नींद होता है। इस प्रकार का नेजल ड्रॉप मिलता है, प्योर ओरिजिनल देसी गिर गाय का घी, हम लोगों का गौशाला से बना हुआ, जिनको चाहिए। करीब करीब इसका 200-300 रुपया कॉस्ट पड़ता है एक बोतल का। रात को सोते समय ऐसे दोनों बूंदा नाक में थोड़ा सा डाल लीजिए। मैं खड़ा खड़ा डाल रहा हूँ, ये गलत तरीका है। और नाभि में थोड़ा डाल के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। इसके बावजूद भी जिसको नींद नहीं आए, हमको बोलिए, बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, पेट का गर्मी है, बाल झड़ रहा है, आंख दुर्बल हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कमर से नीचे मसल्स पुल हो रहा है, टान रहा है, जिसको पीट पीट के रात को सोते हैं, सब प्रकार का तेल लगा लिए, नहीं छूटता है, त्रिफला चूर्ण लीजिए, पेट साफ होगा, नींद अच्छा होगा। गोमूत्र 1 लीटर पानी के साथ, 1 लीटर 2 लीटर पानी के साथ इसको मिला के 2 टिप्पी मिलाना है, पीजिए, टॉक्सिन निकल जाएगा, नींद होगा। एक्यूप्रेशर क्रोम में ढूंढिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर निद्रा इंसोमिनिया, छोटा छोटा मेथी बांध दीजिए, नींद होगा। रात को सोने से पहले नहीं होता है नींद, सो के भ्रामरी करिए, नींद होगा, नहीं हो रहा है। माला ले लीजिए, ऐसे बैग में रखना, सो के जब तक नींद नहीं आता है, गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र का, या फिर निद्रा देवी, इसका ओरिजिनल मंत्र अलग है, मैं इसका बाईपार्ट मंत्र दे रहा हूँ। पूरा मंत्र, मंत्र देने के लिए मना किया गया है, बिना दीक्षा के नहीं देते हैं। निद्रा देवी आगच्छ, मम निद्रा कुरु कुरु, फटोफट लगा सकते हैं, नमो कर सकते हैं, स्वाहा कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तीसरा है, सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ या फिर गीता माता का पाठ निद्रा अच्छा करता है। खटिया में थोड़ा सा गंगा जल स्प्रे कर दीजिए, स्प्रेयर ले लीजिए, ऐसा प्रेयर आता है, स्प्रेयर आता है एग्रीकल्चर में, इसका एक है जो स्प्रे करता है, लाइट स्प्रे, बहुत माइक्रो स्प्रे होता है, दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, गंगा जल गुलाब जल मिला के। बेड में, अगर बेडरूम में अगर नीचे गंदगी है, या किसी भी प्रकार का सामान रखें, या बक्सा वाला खटिया में सोते हैं उसके अंदर देखिए, लोहा वगैरह सामान रह सकता है, या फिर अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रह सकता है, इस कंडीशन में भी नींद नहीं होता है, उन सबको निकाल के साफ करिए। बेडरूम के में एक घी का दिया जलाइए तो पॉजिटिव एनर्जी आएगा, नींद अच्छा आएगा।
और नींद का सबसे रामबाण इलाज है गुरु मंत्र का जाप करते करते, दो माला पांच माला, नींद नहीं आ रहा जब करो कोई बात, टेंशन नहीं होना, नींद नहीं हो रहा है, नींद नहीं हो रहा है, अच्छा है नींद नहीं हो रहा है। क्या होता है, शनि राहु का महादशा 7:30 में रात को बल बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि रात्रि ग्रह है, एनर्जी हाइपर एक्टिव हो जाता है, उस समय नींद नहीं होता है, या तो बहुत दुख में है नींद नहीं होगा, बहुत खुश में है नींद नहीं होगा। मैं टाटा का एल नागेश्वर राव कराटे मास्टर मेरा गुरु है, तपन विश्वास बेंगलोर में है मेरा गुरु है, तो हम लोग एक बार टूर्नामेंट लड़ रहे थे और पूरा टीम हम लोग का जीत गया, तो नागेश्वर राव सर आज भी याद है, रात भर कोशिश कर करके सो नहीं पाए, बहुत खुशी था, एक्सेस हैप्पीनेस, नींद नहीं आया। ये एक कंडीशन बनता है जहां नींद नहीं आता है, बहुत दुखी है, चिंता है, क्यों धोखा दिया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा, नींद नहीं आता है, बैलेंसिंग करना। तो क्या करना चाहिए, बैलेंसिंग प्राणायाम, इसके साथ भ्रामरी, श्वास लीजिए, सौम्य भाव से करना, फिर श्वास लीजिए इस नाक में छोड़ते हुए, बैलेंसिंग प्राणायाम। तो इस समय जो टॉक्सिन या बॉडी का जो केमिकल डिजनरेट हुआ है बैलेंस होगा, नींद हो जाएगा। फिर नींद नहीं होता है तो रात को सोने के समय सफेद चंदन, तुलसी का पत्ता, गोबर यहां डाल के कृष्ण मंत्र का कोई भी कृष्ण मंत्र उठा लीजिए, नींद हो जाएगा। अनिद्रा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना, कचड़ा निकालना, एनिमा लेना, पेट सफाई करना, बॉडी का स्टॉक मोरमेट मैटर्स, जितने सारे हॉट डॉग बर्गर चाउमिन मंचूरियन चाय समेत दूर को बीड़ी सिगरेट खाते हो, बहुत चाय पीना, बहुत सिगरेट पीना, बहुत ड्रग्स लेना अनिद्रा का कारण बनता है, इनसे तो परहेज करना ही पड़ेगा। इनको रख के आप बोलोगे कि हमको नींद आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जप में उतना ताकत है कि रात भर अगर जप करते रहते हो पुण्य मिल जाएगा, पुण्य बल से भी बहुत कुछ सूक्ष्म टॉक्सिन जाते हैं, नींद आ जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।